स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, इसके थ्रू हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है और थर्ड ऑर्डर हो सकता है। तो जनरली हम रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ कंसनट्रेशन ऑफ ए और रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो ऑर्डर है वो हम एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर एक्स और वाई के सम पे डिपेंड करेगा। एक्स और वाई इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे वन है, टू है, उस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने ये डाटा लिखा है, तो जो बुक्स होती हैं केमिकल किनेटिक्स की वो आप प्रदीप की फॉलो कर सकते हो बीएससी में, और प्लस टू में दिनेश और मॉडर्न अच्छी है। तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो पहले मैंने कंसंट्रेशन ली नाइट्रोजन की 0.30, ऑक्सीजन की 0.30, मेरे पास रेट आया वैल्यू दिस वन। जब मैंने NO की कंसंट्रेशन टू टाइम्स इंक्रीज़ की तो रेट फोर टाइम्स बढ़ा। इसको फोर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लिए, इतना आएगा आंसर। जब हमने थर्ड केस में नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू को फिक्स रखा और ऑक्सीजन की वैल्यू को हमने टू टाइम इंक्रीज़ किया, तो रेट जो है वो टू टाइम इंक्रीज़ हुआ, रेट टू टाइम इंक्रीज़ हो गया। तो अगर हम दोनों की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें, टू टाइम्स इंक्रीज़ करें दोनों की वैल्यूज़ को, तो रेट जो है वो एट टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो इससे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब? ये मतलब है अगर हम रिएक्शन, ये R1 है, जब हमने NO की कंसंट्रेशन टू टाइम इंक्रीज़ की, तो जो R2 है दैट इज़ इंक्रीज बाय फोर टाइम इंक्रीज़ हुआ R2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं R2 इज़ फोर टाइम्स ऑफ R1। जब हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को टू टाइम इंक्रीज़ किया तो रेट जो थर्ड रेट आया दैट इज़ टू टाइम्स ऑफ R1। तो अगर रेट इंक्रीज़ करने से कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, सेम कंसंट्रेशन आए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब हमने टू टाइम इंक्रीज़ की, इसकी कंसंट्रेशन फोर टाइम इंक्रीज़ हुआ, इसकी टू टाइम इंक्रीज़ की तो टू टाइम इंक्रीज़ हुआ, जब दोनों को कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो एट टाइम्स। तो हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता चला कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करेंगे, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इनका। पहले हम सिंपली थ्रेटिकली करेंगे, फिर मैथमेटिकली कंसेप्ट करेंगे कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। तो अगर टू टाइम इंक्रीज़ होने से कंसंट्रेशन फोर टाइम हुई तो दैट मीन ये टू का स्केयर हुआ, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होएगा टू। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन टू टाइम बढ़ाने से टू ही आया, तो टू की पावर वन, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन हुआ वन। अगर दोनों की कंसंट्रेशन को टू टाइम्स बढ़ाने से एट टाइम इंक्रीज़ हुआ रेट, तो टू की पावर थ्री, 2 × 2 × 2 8 आ जाएगा ना, तो इसका ये मतलब 2 टाइम्स बढ़ाने से 4, ये 2 है ना, तो इसको हम 2 raised to 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 टाइम इंक्रीज़ हुआ, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज 2। अगर रेट 2 टाइम्स इंक्रीज़ करने से 2 टाइम ही इंक्रीज़ हुआ तो दैट मीन पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर। अगर 8 टाइम इंक्रीज़ हुआ थर्ड ऑर्डर। अगर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, नो इफेक्ट, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो 2 raised to power 0, मतलब रेट में चेंज ही नहीं आया, तो वो होएगी 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो एक्सपेरिमेंटली करते हैं,
जैसे मैथमेटिकली टर्म, सॉरी, मैथमेटिक्स के थ्रू हम रेट लिख लेते हैं. ये डिपेंड करेगा वन के केस में एनओ की पावर एक्स और ओ टू की पावर वाई, आर टू के केस में एनओ एनओ की पावर थ्री, तो जनरली एक्स लिख लेते हैं, और ओ टू की पावर वाई. आर वन हमने कंसिडर किया था, आर वन की वैल्यू, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसे आर वन बाय आर टू, रेट फाइंड करना है, तो अगर यहाँ पे के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें तो ये आएगा एन ओ एक्स और ओ टू वाई, एन ओ एक्स ओ टू वाई. अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है. तो जो आर वन की कंसंट्रेशन थी, आर वन इज़ 0.096, दिस इज़ 0.384, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. अभी हमने एन ओ को 2 टाइम इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 टाइम इंक्रीज़ किया है, तो कैसे लिख सकते हैं इसे, दिस इज़ एन ओ एक्स और 2 टाइम्स ऑफ एन ओ वाई. तो अगर कंपेयर करें इसे तो ये 1/4 आएगा. अगर 1/4 आया तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि जो आर टू इज़ 4 टाइम्स ऑफ आर वन, आर टू इज़ 4 टाइम्स ऑफ आर वन. तो इसका ये मतलब है कि अगर हमने 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया तो जो रेट है वो 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ, और उसके रेस टू पावर आई 2. अगर हम 2 की इसको 2 टाइम इंक्रीज़ किया ना, तो एनओ को 4 टाइम रिएक्शन इंक्रीज़ हुई, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उनके स्टैक्यूमेट्रिक कॉफिशेंट पे, एक्स और वाई पे, और इनके कितने मोलार हम कंसिडर कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उन पे डिपेंड करेगा. बट समटाइम एक्सेप्शन केसेस भी आते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर हो सकती है, रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगी. फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, एक रिएक्टेंट या उनकी पावर पे. ऐसे नहीं हो सकता कि इसकी ये हाफ और ये हाफ हो, हाफ हाफ मिलके 1 बना देंगे ऐसे इनके. अगर सेकेंड ऑर्डर है तो 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, अगर थर्ड ऑर्डर है तो 3 रिएक्टेंट पे, 3 रिएक्टेंट पे नहीं, उनकी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो उनकी मोलार कंसंट्रेशन है उन पे डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टडी करेंगे, उनके थ्रू इजीली हो जाएगा कि कैसे किस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है 2 है और 3 है. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.